नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है अपने स्कोर के साथ और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसके आंसर के साथ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और भी दूसरी वीडियो को, जिसे आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया के लिंक भी आपको मिल जाएंगे जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में हम PSLB बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पूछा जा रहा है और ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे आपके पास ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जिसे आप RRB बोल सकते हैं, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू एलोकेट 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ANDC टू PSL। PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका मतलब ये है कि हर बैंक के पास ये होता है कि जो भी वो लोन देना चाहते हैं पब्लिक में, तो एक लिमिट डिसाइडेड होती है कि भी प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है वो सारे सेक्टर जहां पे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, एग्रीकल्चर और भी जो बेसिक चीजें जो हमारी होती है उसको पूरा करने के लिए जो इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, तो उसके लोन प्रोवाइड करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये बोला जा रहा है कि जो रूरल एरिया के, रीजनल और रूरल एरिया के जो बैंक है, उसे ये होता है कि उसको 40% तक उन्हें लोन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है, ये आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना भी अमाउंट वो लोन प्रोवाइड करेंगे उसका 40% वो इन एरिया को देंगे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है लोन फॉर सेटिंग अप द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज कैटेगरी एलिजिबल फॉर फार्मर अंडर PSL, यानी कि PSL की जो कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर या फिर वो सारे सेक्टर जहां हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसके अंदर अब बायोगैस प्लांट को भी इंक्लूड कर लिया गया है, यह आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके आपको आंसर चूज करना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आपका बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है आपको नाइदर 1 नॉर 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कुछ गलती है इसके अंदर। क्या गलती है, चलो देख लेते हैं। तो जो आपसे बोला गया था कि रूरल एरिया के अंदर 40% तक लोन मैंडेटरी होता है कि भाई वो ये PSL सेक्टर है, PSL का मतलब ये है कि जो भी प्रायोरिटी बेस्ड सेक्टर है उसके अंदर उसे लोन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है। नहीं, ये बात गलत है, बल्कि ये 40% नहीं, रीजनल और रूरल बैंक जो है उनको ये मैंडेटरी होता है कि वो 75% तक लोन इस, यानी कि इस सेक्टर को, यानी PSL सेक्टर को लोन प्रोवाइड करेंगे। और जो नॉर्मल बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनके लिए रूल है कि वो लोग 40% तक प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जितने भी रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी ये है कि वो 75% लोन प्रोवाइड करेंगे। और नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक है, जिसके अंदर हमारे नॉर्मल जो अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो 40% लोन इन सेक्टर को प्रोवाइड करेंगे, ये गाइडलाइन है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो चलिए पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिसे लोन प्रोवाइड किया जाता है PSL कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले आपका है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, जिसे MSME आप बोल सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि जिसे आप एनर्जी सेक्टर है उसे लोन प्रोवाइड करना ये मैंडेटरी होता है, आप ये बोल सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि भी अभी रिसेंटली RBI ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर ये रिलीज किया गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो भी कैटेगरी है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, और उस गाइडलाइन के अंदर यह बोला गया है जो बायोगैस प्लांट अगर कोई सेटअप करता है तो उसे भी इस कैटेगरी के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इन सारे सेक्टर के साथ, जो कि लिस्ट मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इस लिस्ट में एक और चीज आपको ऐड कर लेनी है, वह है बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द
कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये गंगेटिक डॉल्फिन के रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके अंदर भी आपको ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है आपके पास सेकंड स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके पास, इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा है वो ये है, इट इज लिस्टेड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में हमारी कंट्री के अंदर एक लॉ आया था जिसे हम बोल सकते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट हमारी कंट्री में आया था, उसके अंदर शेड्यूल क्रिएट किए गए थे, अपेंडिक्स रखे गए थे और कैटेगरी डिसाइड की गई थी भी कौन से एनिमल को किस कैटेगरी में डाला जाएगा और उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे। ये 1972 के अंदर एक लॉ पास हुआ था, उसके अंदर ये काम किया जाता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों को एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए जो काम करती है, उसके रेड लिस्ट के अंदर डॉल्फिन जो हमारी कंट्री के अंदर गंगेटिक रीजन के अंदर जो डॉल्फिन है उसको लिस्ट किया गया क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। ए का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि 1972 के अंदर जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उस एक्ट के तहत गंगेटिक एरिया में गंगेटिक डॉल्फिन की प्रोटेक्शन की कंजर्वेशन की बात की जाती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो आपका हो गया करेक्ट। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की जिसमें आपसे ये बोला गया था कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इस गंगेटिक डॉल्फिन को कैटेगराइज किया गया है इसको प्रोटेक्शन के लिए, ये बात गलत है। इसे रेड लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया बल्कि इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ही सिर्फ डाला गया है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया, यानी नॉट करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अपेंडिक्स वन में और अपेंडिक्स टू में क्या होता है, मतलब किस तरह के जानवर को लिस्ट किया गया। जो भी मोस्ट इंडेंजर कैटेगरी के जो होते हैं, यानी कि जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, ऐसी कैटेगरी के जो होते हैं उसे तो फर्स्ट अपेंडिक्स में रखा गया है, और सेकेंड कैटेगरी के अंदर यानी कि अपेंडिक्स टू के अंदर उन स्पीसीज को रखा है जो कि माइग्रेटरी नेचर की है। माइग्रेटरी का मतलब है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं और उसकी प्रोटेक्शन की बात की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों लिस्ट हो गई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। मेनली जो अगर ये जैसे डॉल्फिन पिक्चर में भी देख रहे हो डॉल्फिन, ये अगर मैं बात करूं डॉल्फिन की तो हमारे कंट्री में इससे रिलेटेड एक मतलब बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इसके प्रोटेक्शन के लिए एक पार्क भी डिसाइड किया गया है जहां इनके प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ब्रिक्स के बारे में। विद रेफरेंस टू द ब्रिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्री का जो ग्रुप है उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बता रहा है आपको। चलो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है द टर्म वॉज कोइंड बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस डीटन। ये एक इकोनॉमिक्स थे जिसका एंगस डीटन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यानी जो ब्रिक कॉन्सेप्ट है BRI ये कंट्री के जो नाम से बने हुए ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था, ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कॉन्टिनेंट रिजर्व अरेंजमेंट वॉज अनाउंस्ड बाय गोवा डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिक्स। गोवा का मतलब यह है कि हमारी कंट्री के अंदर जो गोवा है वहां पे एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर जब इसकी होस्टिंग हुई थी हमारी कंट्री में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तब ये डिसाइड किया गया था कि भी एक बैंक होना चाहिए जिसका नाम रखेंगे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इस बैंक के तहत वो लोग रिजर्व मेंटेन करेंगे ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके। यानी कि ये जो ग्रुप है ब्रिक्स का जो ग्रुप है जितने भी कंट्री इसके अंदर आते हैं उन लोगों ने आपस में एक बैंक डिसाइड किया था कि हम लोग एक बैंक बनाएंगे जिसमें हम लोग रिजर्व मेंटेन करेंगे और एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बोला जा रहा है ये गोवा डिक्लेरेशन के अंदर ये बात डिसाइड की गई थी। तो दो स्टेटमेंट हो गए, अब आपको बताने करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते भाई। ठीक है,
तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, मैं ये रोज चेक करता हूं। अच्छा पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। डी का मतलब यह कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने इसका टर्म, जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं जिसके बी फॉर ब्राजील है, ठीक है, ये ब्राजील के काउंटर पार्ट है, जो लीडर है ये हमारी कंट्री के लीडर है, यानी कि ठीक है, और ये तो चाइना के लीडर है, ये रशियन प्रेसिडेंट है, और ये है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो लीडर्स हैं ये इस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्री मिलकर के ब्राजील की फॉर्मेशन करते हैं। और स्टार्टिंग में ये था कि भी ये जो ब्रिक्स का जो सेटअप हुआ था 2001 में, सबसे पहले ये टर्म आया था, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे उन्होंने ये दिया था नाम, जिनका नाम है जिम ओनील। इन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रिक्स आज हमारे सामने है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो आपको इकोनॉमिक्स का जो नाम दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स को गलत दिया हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है, जिम ओनील जो थे इन्होंने ब्रिक्स को पहली बार ही कंट्रीब्यूट किया था, और ये ग्रुप फॉर्मेशन हुई थी जिसके अंदर आप देख चुके हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और स्टार्टिंग में इसके मेंबर थे, और इन्होंने इसे सेटअप किया था 2001 के अंदर। फिर बाद में ये हुआ कि ब्रिक्स का जो ग्रुप था, इसे इसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी। यानी कि जितनी भी कंट्री है, इन सारी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपस में एक मीटिंग करी थी, ठीक है, 2006 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ग्रुप बनने के बाद। बाद में इस ग्रुप के अंदर साउथ अफ्रीका को भी इन्वाइट कर लिया गया था, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने दिसंबर 2010 में इसे ज्वाइन कर लिया। यानी कि आप ये बोल सकते हो पहले जो ब्रिक था वो BRIC था, ठीक है, एस बाद में इसमें ऐड हो गया, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, तो ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला जा रहा है कि गोवा डिक्लेरेशन जब हुआ था, यानी कि गोवा यानी कि इंडिया ने जब इसकी मीटिंग होस्ट की थी, तब डिसाइड किया गया था कि भाई यहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए जो इस ग्रुप को मिलकर रिप्रेजेंट करता हो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको गलत बताया गया था, ये गोवा डिक्लेरेशन नहीं था, ये फिर फोर्टिलेजा डिक्लेरेशन था, उसमें साइन किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो ब्राजील के अंदर एक सिटी है, 2014 में जब ये लीडर एक दूसरे से मिले थे, तब एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि हम लोग एक बैंक बनाएंगे जहां एक दूसरे की हेल्प प्रोवाइड करेंगे, और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर, चाइना की सिटी संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो बैंक है, ये बैंक अभी चाइना में स्टेब्लिश्ड है, चाइना में बनाया गया है, और यहां पे ये सारे कंट्री यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सब मिलकर के इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और बस बाद में जब इसको जितना भी जरूरत पड़ता है उस हिसाब से वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, एक दूसरे की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये बैंक बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन डी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमें गलत दे दिए गए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो है आपका ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इसके अंदर। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारी जो संसद है, ठीक है, यानी जो पार्लियामेंट है हमारी कंट्री के अंदर, उसकी जो वर्किंग होती है वो कमिटी इस फॉर्मेशन के बाद होती है। यानी कि आप कह सकते हैं एक टीम के रूप में वो लोग काम करते हैं, कमेटी बना बना करके, आप ऐसे समझ सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको ये चूज करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और उसी के हिसाब से आपको आंसर अपना डिसाइड करना है। तो ऑप्शन यानी स्टेटमेंट वन में जो आपसे बोला जा रहा है, पहले वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट वन में आपसे बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि इस तरह की जो कमेटी होगी वो किस तरह कंपोजिशन उसका, यानी कि उसकी बनावट कैसी होगी, उसकी रचना कैसी होगी, ठीक है, और वो उसका जो टेन्योर होगा, टेन्योर का मतलब है कार्यकाल, कब तक वो काम करेगा, टाइम पीरियड कितना होगा, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये बात मेंशन है, ऐसा आपसे स्टेटमेंट वन में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट टू में आपसे बोला जा रहा है द हाउस कीपिंग मीटिंग इज अ स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि हाउस कीपिंग जो कमेटी है वो एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आती है। यानी कि टाइप ऑफ कमेटीज होती है, उसके अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हाउस कीपिंग कमेटी को रखा गया है, आप ये बोल सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए, अब आपको ये चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मीन दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भी क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, वो करेक्ट, बी का मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है,
फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो आपसे बात बोली गई थी कि भाई हाउस कीपिंग जो कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आती है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि पहले तो हमें इसकी स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है, कि पार्लियामेंट के अंदर एवरी ईयर हर साल एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम आप ग्रुप के नाम से बोल समझ सकते हो, स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड के लिए अपना कंटिन्यूस काम करती है कि भी जो भी पार्लियामेंट के अंदर होना होता है। जैसे फाइनेंशियल कमेटी होती है, मतलब इस ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल कमेटी होती है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके अलावा कमेटी कुछ इंक्वायरी से रिलेटेड कमेटी ऑन टू इंक्वायरी होती है, इसके बाद आपको स्क्रूटनी वगैरह और छोटी मोटी और भी जो काम होते हैं उसके रिगार्डिंग में कमेटी होती है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो स्टैंडिंग कमेटी ये पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक का मतलब ये है कि एक पीरियड के हिसाब से ये बनती है, फिर बाद में ये डिसॉल्व हो जाती है। यूजली जो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है वन ईयर इसका होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पार्लियामेंट का जो एक पूरा सेशन होता है, ठीक है, उस पूरे सेशन के अंदर ये कमेटी काम करती है, फिर उसके बाद इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, फिर से दोबारा नई कमेटी बना दी जाती है। मैं बात कर रहा हूं स्टैंडिंग कमेटी की। अच्छा, उसके बाद जान लेते हैं एक एडोक कमेटी और होती है। तो एडोक कमेटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर काम के हिसाब से, कोई पर्टिकुलर टास्क के हिसाब से कमेटी फॉर्मेशन होता है और उस काम को होने के बाद ये कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। जैसे हमारी कंट्री की अगर बात करें, अभी 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटी भी एडहॉक कमेटी थी, जिसका काम यह था कि हमारी कंट्री में जीएसटी को लागू करवाना, ये मेन काम था। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में आप याद रख सकते। उसके अलावा जो बेफोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो अभी साइन हुआ था, ठीक है, तो वो जो डील करना था उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, फर्टिलाइजर प्राइस, यानी कि फर्टिलाइजर का क्या प्राइस होना चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए भी हमारी कंट्री में ये कमेटी बनाई गई है। तो ये कुछ कुछ आपको याद रखना है। मेनली जो पार्लियामेंट कमेटी है उसको आप फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका फाइनेंशियल कमेटी, यानी कि आप जो हर साल जो हमारा जो फाइनेंशियल यानी बजट आता है हमारा, ठीक है, बजट आता है, या फिर आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक रिव्यू जो आता है हमारा, ठीक है, वो आता है हर साल जो आता है, उसके रिगार्डिंग जो काम करती है वो फाइनेंशियल कमेटी काम करती है। फिर उसकी बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये है कि एक टीम ऐसी होती है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो काम करती है उसे हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी। उसके बाद एक है एडहॉक कमेटी, थर्ड नंबर पे। एडहॉक कमेटी का मतलब ये है कि भी वो कमेटी जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए डिसाइड होती है, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है बस ये कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। और उसके बाद फोर्थ है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अंदर ये जो नॉर्मल जो बिजनेस होता है पार्लियामेंट का, जो काम होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको काम को पूरा करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बोल सकते हैं। तो ये चार कमेटी है, आपको चारों कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इन सब कमेटी के बारे में मेंशन है, इसके टाइम पीरियड के बारे में और इसके प्रोविजन इसके रिगार्डिंग में डिटेल में, जो कि बात गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ भी प्रोविजन, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन नहीं है कि भी ये इसकी कंपोजिशन यानी कि ये किस तरह से बनेगी, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, ना ही इनके टेन्योर के बारे में और ना ही इनके काम के बारे में कोई डिटेल मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो तो गलत है, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द ड्राफ्ट ऑन डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, जिसे शॉर्ट में आप DEPA भी बोल सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपने सुना भी होगा जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने यहाँ एक लॉ पास किया हुआ है कि भी कोई डाटा का मतलब, पहले कॉन्सेप्ट समझिए डाटा का मतलब क्या है, कि जिस तरह से आप लोग किसी बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो अपने ID प्रूफ देते हैं, अपना एड्रेस प्रूफ देते हैं, ठीक है, एड्रेस प्रूफ देते हैं, इसके अलावा अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह वगैरह आप चीज़ें आप उसको देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास एक कॉल आता है कि भी क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो वगैरह वगैरह, इस तरह के कॉल अक्सर आपके पास कॉल या फिर ईमेल वगैरह अक्सर आपके पास आया करते होंगे कि भाई लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ ना कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट टाइप ऑफ कॉल आते होंगे। तो भाई ये जो कॉल आते हैं आप लोगों का डाटा उनके पास कैसे जाता है, कहीं ना कहीं ये बैंक से या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पे आपने अपने इस पर्टिकुलर किसी भी डाटा को या किसी ID प्रूफ वगैरह को दिया, वहां से वो डाटा आपका लीक होता है और लीक होने के बाद सर्कुलेट हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन में, यानी कि पूरे यूरोप के अंदर ऑलरेडी एक लॉ है, अमेरिका में भी ऑलरेडी लॉ है, पर हमारी कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो इस तरह के डाटा थेफ्ट को रोकने के लिए भी हमारी कंट्री में एक लॉ लाया जा रहा है, एक ड्राफ्ट लाया जा रहा है, जिसका नाम है डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये है सेकंड स्टेटमेंट।
फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, इट इज अ ड्राफ्ट रिलीज बाय द आरबीआई विच एम एट एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद कंट्रोल ओवर द बैंकिंग डाटा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई आरबीआई के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है जो कि किसी के भी इंडिविजुअल डाटा को, पर्सनल डाटा को, बैंकिंग डाटा को लीक ना हो उसे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाएगा, जो कि आरबीआई के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट विल बी इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट प्लेयर नोन एज यूजर कंसेंट मैनेजर। यानी कि इसके अंदर बोला जा रहा है इस जो ड्राफ्ट जो बनाया गया आरबीआई के द्वारा, ये बोला जा रहा है इस बिल के तहत, ये जो ड्राफ्ट जो आ रहा है, ये बिल का जो ड्राफ्ट आ रहा है इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भी एक प्लेयर क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि पोस्ट कह लीजिए क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है यूजर कंसेंट मैनेजर, जो कि ये डिसाइड करेगा कि भी कि किसी के डाटा को रिवील करना है या किसी को शेयर करना है नहीं करना है, उससे पहले उस पर्टिकुलर यूजर से, यूजर का मतलब है कि भी बैंक होल्डर यानी अकाउंट होल्डर जो भी है, उससे पहले परमिशन यानी कंसेंट लिया जाएगा, उस कंसेंट के बाद ही इस तरह के डाटा को शेयर किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, इस तरह का एक प्रोविजन रखा जा रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट सेकंड है। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप मैंने आपको डिटेल में डाटा एम्पावरमेंट के बारे में कुछ कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि ये जो बोला जा रहा है कि एक पोस्ट क्रिएट की गई है जिसका नाम रखा गया है कि यूजर कंसेंट मैनेजर, जो कि ये काम करेगा कि फाइनेंशियल डाटा को यूज करने से पहले उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर से पहले परमिशन मांगी जाएगी, और जब वो कंसेंट दे देता है, यस कह देता है, तब जाकर के ही उस डाटा को यूज किया जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो तो करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें ड्राफ्ट की बात की गई थी कि डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के बारे में, यानी डीईपीए के बारे में बात की है। इस तरह का जो ड्राफ्ट है वो आरबीआई ने नहीं बल्कि ये नीति आयोग ने हमारी कंट्री में इसे लेके आई है। अब नीति आयोग क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमारी कंट्री में लाया गया है नीति आयोग, और वो ये काम कर रही है। ठीक है, इसके अंदर आप ये सकते हो कि जो एक डाटा मैनेजर होगा वो क्या करेगा, जो भी हमारी पर्सनल डाटा है जो बैंक के पास, किसी म्यूचुअल फंड के पास, या फिर कुछ किसी भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, या फिर आप टैक्स वगैरह जो सबमिट करते हैं टैक्स जीएसटी प्लेटफॉर्म पे, जो आपका डाटा होता है, कहने का मतलब जो भी आपका पर्सनल डाटा होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा होता है, पहले वो जो मैनेजर होगा किसी को देने से पहले, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देने से पहले यूजर से पहले कंसेंट लेगा, परमिशन लेगा, जब वो अलाउ कर देगा तब जाकर के ही इस तरह के डाटा को शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। अच्छा, आपके लिए कमीशन, आपके लिए क्वेश्चन ये हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के जो फर्स्ट हेड थे वो आपको बताना है कौन थे। इसके अलावा आपको लास्ट वाला प्लानिंग कमीशन का भी हेड बताना है कि इसके हेड यानी कि चेयरमैन आप बोल सकते हैं कौन थे, इनका नाम बताना है, और आपको साथ के साथ ये भी बताना है कि प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस करके नीति आयोग को हमारी कंट्री में लाया गया था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है, आज इस वीडियो के बाद आज शाम तक आपकी एक वीडियो और आने वाली है जिसके अंदर हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट के अंदर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितने कितने मिनिस्टर हैं, और वो कौन से मिनिस्टर किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं यानी काम करते हैं, किसके अंडर में कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है, इसके बारे में आपकी एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आज आपकी आने वाली है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का भी लिंक मिल जाएगा। बेटर ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे।